हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो के iOS कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में जो कंट्रोल सिस्टम देखा होगा, उसी टाइप का हम यहाँ पे जो है ओप्पो के डिवाइस में कंट्रोल पैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो किस टाइप से आप लोग यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करें, किस टाइप सेट करेंगे, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस रेड के बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड बगल में बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। इंडिया वीडियो पसंद लाइक करना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले हमें जो है एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आप लोग को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके, फिर वहाँ से आप लोग जो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब एप्लीकेशन को ओपन करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो जैसे हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो आप लोग का ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे ऑफ रहेगा, आप लोग इसे ऑन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग इसे ऑन करते हैं, तो आप लोग का जो नीचे से ऊपर स्लाइड करेंगे आप लोग, तो ऑटोमेटिकली आप लोग के फोन में कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें कि पूरे ऑप्शन आप लोग को अवेलेबल मिल जाते हैं, जो कि आप लोग को नोटिफिकेशन पैनल में देखने को मिलते थे। पर इसमें आप लोग को एक एडवांस फीचर ये भी मिलता है कि आप लोग का जो कंट्रोल सिस्टम रहता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और ऐसा लगता नहीं कि हम ओप्पो का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या फिर iOS का डिवाइस। आप लोग को ऐसा लगेगा कि हम जो iOS का डिवाइस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि साइज़ हो गया, कलर हो गया, पोजीशन वगैरह हो गया। बैकग्राउंड की बात करेगा इस, तो बैकग्राउंड में आप लोग अपने यहाँ पे पिक्स भी लगा सकते हैं। एंड म्यूज़िक कंट्रोल हो गया, कस्टमाइज कंट्रोल हो गया, वाइब्रेशन वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग कस्टमाइजेशन के जितने भी ऑप्शन मिलते हैं, सब आप लोग यहाँ पे जो अपने हिसाब से कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि अपने हिसाब से आप लोग जो इसे और भी यहाँ पे सुंदर यहाँ पे बना सकते हैं। एंड आप लोग को एक सॉर्टिंग सेटिंग फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आप लोग को जो इसे परमिशन देना पड़ेगा, वरना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ओके फ्रेंड, तो परमिशन देने के लिए आप लोग को सबसे पहले ओपन कर लेना अपने ओप्पो का सिक्योरिटी सेंटर को, और यहाँ पर आप लोग को प्राइवेसी परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉरवर्डिंग विंडो मैनेजमेंट में जाके जो है इस एप्लीकेशन को परमिशन दे दीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है परमिशन दे दिया है, अब आप लोग का कंट्रोल सिस्टम रहेगा जो रहेगा एकदम प्रॉपरली वर्क करेगा। इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को जो है कंट्रोल सिस्टम किस टाइप का लगा। ओके फ्रेंड, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो कमेंट करना भले हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपकी।